फ्रेंड्स मैं अभिषेक जोशी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के फ्रेम साइज के बारे में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो नेम प्लेट होती है उसको रीड कैसे किया जाता है इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट पर कौन कौन सी डिटेल मैंशन रहती है और उनका मतलब क्या होता है उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है इंडस्ट्रीज़ के वर्किंग में ये हमने कल के वीडियो में देखा था उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्किंग से रिलेटेड

दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं तो मोटर की जो फ्रेम साइज है उसका आपके इंडस्ट्रियल वर्किंग से डायरेक्टली कनेक्शन क्या है मोटर की फ्रेम साइज कितनी भी हो आपके वर्किंग पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यह चीज सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए तो देखिए इंडस्ट्रीज में जब भी कोई मोटर अर्थ हो जाती है जब भी कोई मोटर जल जाती है तो उस मोटर को रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ नेम प्लेट के डिटेल्स को रेफरेंस के तौर पर लेना पड़ता है यह मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर आप किसी मोटर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो कुछ डिटेल्स आपको मोटर के बारे में पता होनी चाहिए जिसमें से सबसे पहले तो आता है कि जो मोटर जली है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस मोटर का किलोवाट रेटिंग कितना है वो मोटर कितने एचपी की है दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि वो मोटर का आरपीएम कितना है क्या वो मोटर 1500 आरपीएम की है या वो हाई आरपीएम की मोटर है जिसे 3000 आरपीएम की मोटर भी बोला जाता है तीसरा डिटेल होता है मोटर की फ्रेम साइज़ कि मोटर की फ्रेम साइज़ कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो दूसरी मोटर आप रिप्लेस कर रहे हैं वो भी उसी फ्रेम साइज की होनी चाहिए जिस फ्रेम साइज की ये एग्जिस्टिंग मोटर है अब सवाल ये आएगा कि मोटर की फ्रेम साइज़ अगर चेंज हो भी जाए तो उससे प्रैक्टिकली फ़र्क क्या पड़ेगा आपके मोटर रिप्लेसमेंट में तो देखिए जब भी आप मोटर को फाउंडेशन पर माउंट करते हैं तो मोटर का जो बेस होता है जिस पर आप नट पोल्टिंग करके फाउंडेशन पर मोटर को माउंट करेंगे उसकी साइज़ का फर्क पड़ जाता है अगर आपकी मोटर की फ्रेम साइज अलग अलग हो मान लीजिए जो मोटर आपकी अर्थ हुई है जिस मोटर की वाइंडिंग जल गई है उसकी फ्रेम साइज है 90 एम और जो मोटर आप रिप्लेस कर रहे हैं उसकी बाकी सारी डिटेल तो सेम है किलोवेट रेटिंग भी सेम है आरपीएम की रेटिंग भी सेम है लेकिन इसका फ्रेम साइज अगर 132L हुआ जो मोटर जली थी उसका फ्रेम साइज था 90M जो मोटर आप रिप्लेस कर रहे हैं उसका फ्रेम साइज अगर रहा मान लीजिए वन तो उस केस में आपकी वन थर्टी वाली मोटर फाउंडेशन पर प्रॉपरली माउंट नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी जो फ्रेम साइज है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू आपकी पहली वाली मोटर इसलिए जब भी आप मोटर को रिप्लेस करते हैं तो मोटर की फ्रेम साइज भी मैच होना बहुत जरूरी है अब दोस्तों बात यह आती है कि मोटर के नेम प्लेट पर जब भी हम लोग फ्रेम साइज को देखते हैं तो उस पर नॉर्मली कोड्स लिखे रहते हैं यहाँ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोटर के नेम प्लेट पर जो फ्रेम साइज आप देखते हैं ये नॉर्मली दो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके लिखे जाते हैं एक तो होता है नेमा स्टैंडर्ड और एक होता है आई ई स्टैंडर्ड्स नॉर्मली जो फ्रेम साइज लिखी जाती है ये इन्हीं दो में से किसी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखी जाती है नॉर्मली जो मोटर्स इंडस्ट्रीज में यूज होती है वो आई ई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसकी फ्रेम साइज जाती है तो आज की इस वीडियो में जो फ्रेम साइज में आपको बताऊंगा वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी अब हम लोग एक, एक, एक लेके देखते हैं कि मोटर की फ्रेम साइज होती कैसे कैसे है और उसको डी हम लोग करते हैं मान लीजिए आपकी एक मोटर है जिसकी फ्रेम साइज लिखा हुआ है नाइनटी एम अब यहां पर दो चीजें हैं एक तो है नाइनटी और दूसरा है एम तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइनटी का क्या मतलब होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम का क्या मतलब होता है तो देखिए जो 90 एम का 90 है ये बेसिकली आपको ये बताता है कि मोटर का जो शाफ्ट का सेंटर पॉइंट है उस सेंटर एरिया से मोटर का जो बेस है उसके बीच की हाइट कितनी है इस फिगर में आप देखिए इस फिगर में जो एच आप देख रहे हैं ये एच आपको बेसिकली हाइट के बारे में बताता है कि मोटर का जो शाफ्ट है उस शाफ्ट की जो सेंटर पोजीशन है उस सेंटर पोजीशन से मोटर के बेस तक की जो हाइट है ये हाइट कितनी है ये बेसिकली आपको 90 एम के 90 से पता चलती है अब आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये जो नाइन्टी एम का नाइन्टी है ये नॉर्मली एम एम में रहता है इसका मतलब ये है कि मोटर का जो शाफ्ट का सेंटर पॉइंट है उससे लेकर बेस तक की जो हाइट है ये 90 एम mm की है वही अगर मान लीजिए इस मोटर का जो फ्रेम साइज है ये 132 थर्टी एम होता तो उसका मतलब ये होता कि आपके शाफ्ट का जो सेंटर पॉइंट है वहां से लेके मोटर का जो बेस का एरिया है जिसको हम लोग एच कह रहे हैं इसकी जो हाइट है ये 132 थर्टी mm एम है तो आपकी जो स्केल होगी आपकी जो यूनिट होगी ये हमेशा एम mm में होगी और पहले के जो नंबर्स होंगे चाहे वो 90 हो 132 हो या और कोई हो ये आपको बेसिकली इस हाइट के बारे में बताते हैं इसके बाद दोस्तों बात आती है कि फिर ये एम क्या है तो देखिए ये जो अल्फाबेट आप देख रहे हैं जो एम लिखा हुआ है ये एम का मतलब सीधा सा ये होता है कि आपका जो शाफ्ट है ये शाफ्ट की लेंथ कितनी है इसका मतलब ये है कि नॉर्मली तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है एक होता है एस जिसे स्मॉल कहते हैं एक होता है एम जिसे मीडियम कहते हैं एक होता है एल जिसे लार्ज कहते हैं तो आपके मोटर की जो फ्रेम साइज है ये नाइनटी एस हो सकती है नाइन्टी एम हो सकती है नाइनटी एल हो सकती है वैसे एक और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं कि वन थर्टी हो सकती है 132M हो सकती है 132L भी हो सकती है तो 132 90 का मतलब क्या है ये तो हमने देख लिया कि हम हाइट को बेसिकली नंबर से डिनोट करते हैं और ये जो आप अल्फाबेट देख रहे हैं चाहे वो एस हो एम हो या एल हो ये बेसिकली बताता है कि आपके शाफ्ट की लेंथ कितनी है अब ये लेंथ कितनी है ये नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना उतना ज़रूरी नहीं है कि शाफ्ट की लेंथ एक्चुअल में कितनी है मेन चीज़ ये है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग मोटर की फ्रेम साइज नाइन्टी है और अगर आप उसे नाइन्टी से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके शाफ्ट की जो लेंथ है ये बराबर नहीं रहेगी क्योंकि जो नाइन्टी वाली मोटर है उसके शाफ्ट की लेंथ कम है क्योंकि वो स्मॉल है और आपने जो रिप्लेस किया है नाइन्टी एल से उसके शाफ्ट की लेंथ ज्यादा है क्योंकि एल का मतलब लार्ज होता है तो ये जो मोटर आप माउंट करेंगे ये प्रॉपरली माउंट नहीं हो पाएगी और आपका जो मोटर रिप्लेस करने का पर्पज है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इसलिए दोस्तों इंडस्ट्रीज में जब भी आप मोटर को रिप्लेस करते हैं तो इन तीन पैरामीटर्स पर ध्यान दीजिएगा जो तीन डेटा आपको नेम प्लेट से प्रोवाइड होता है उस पर ध्यान दीजिएगा कि मोटर की पावर रेटिंग कितनी है कितने किलोवाट की मोटर है मोटर का आरपीएम कितना है और दूसरा मोटर की फ्रेम साइज कितनी है ये तीन चीज़ अगर आपको पता हो ये तीन डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सही मोटर को रिप्लेस करके अपने ड्राइव को रेडी इजिली कर पाएंगे तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुड बाय